गाइस आ गए हैं इस सीजन का इम्पोर्टेंट और हॉटेस्ट क्रिकेट कंटेस्ट यानी कि एशिया कप 2023 यहाँ पे पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 14 इयर्स के बाद कोई एक इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट होस्ट किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे पाकिस्तान कैसे होस्ट करता है इस इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट को। तो बात करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंटली फर्स्ट मैच कल यानी 30 अगस्त को खेला जाएगा, पाकिस्तान और नेपाल के बीच में मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। स्टूडियो में आपके साथ ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन शेयर करेंगे, उसके अलावा क्रिकेट टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, पिच रिपोर्ट के अलावा यहाँ पे प्लेयर स्टेटस का भी चेक करेंगे। सो हम आपके साथ ईच एंड एवरी पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे। तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट मैच का, तो फर्स्ट मैच रहेगा पाकिस्तान और नेपाल के बीच में, मैच है 30 अगस्त को, टाइमिंग है 3 PM IST, क्रिकेट स्टेडियम रहने वाला है हमें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, तो इम्पोर्टेंटली आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। ये इनॉगरल मैच खेला जाएगा यहाँ पे कल 30 अगस्त को। तो बात करेंगे इम्पोर्टेंटली इस पिच की जो कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है, तो हिस्टोरिकली ये हेल्पफुल रहता है बैटर्स के, वायर पेसर्स एंजॉय बोलिंग ड्यू टू द सीम एंड स्विंग दे हैव एन ऑफर, रिवर्स स्विंग माइट आल्सो डिस्टर्ब द बैटर्स एज दे नीड टू कीप एन आई ऑन द बॉल। टीम जो टॉस विन करेगा वो चेज करना पसंद करेगा। इस ग्राउंड पे एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर अराउंड 240 के अराउंड रह सकता है, तो आप हम एक्सपेक्ट करते हैं 250 प्लस का गेम यहाँ पे हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे हम 50 यहाँ पे हेड टू हेड की बात करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ओवर 50-50 मैच खेला जा रहा है इन दोनों टीम्स के बीच में, नेपाल और पाकिस्तान के बीच में पहला 50-50 ODI खेला जाएगा। हिस्ट्री में पहली बार आपस में दोनों के दोनों ये मैच खेलेंगे फर्स्ट टाइम। तो प्रोबेबल 11 की बात करेंगे, पाकिस्तान में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ़खर जमान, बाबर आजम, इमामुल हक, शादाब खान, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस रूप, नसीम शाह एंड उसामा मीर। सो दीज गाइज हैव रियली परफॉर्मड वेल इन द लास्ट सीरीज अगेंस्ट अफगान एंड दे डिफीटेड अफगान एंड रीच ऑन द टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट एंड दे आर करंटली नंबर 1 ODI क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड। सो नेपाल की टीम्स में यहाँ पे आरिफ शेख को देख सकते हैं आप, शारकी रोहित को देख सकते हैं आप, और भुरतल, दीपिंदर सिंह, आर्य, खुशाल माला, अर्जुन सौद, ललित राजवंशी, गुलशन कुमार झा, संदीप लामा छायनी के अलावा के मोहतो को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल की टीम में। न्यू टीम है, फर्स्ट टाइम एशिया कप में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो देख सकते हैं अब इनका परफॉर्मेंस हम कल के मैच में देखेंगे। कैप्टेंसी पिक्स में आपके लिए फर्स्ट चॉइस अवेलेबल है बाबर आजम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड कंसिस्टेंट बैटर है इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में, तो यहाँ पे आपको लीड दिया जा सकता है फैंटेसी क्रिकेट टीम में। इमामुल हक की बात करेंगे तो अगर उसकी रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे तो वो अभी करंटली ओपनर की पोजीशन पे आते हैं, बैटर की पोजीशन पे आते हैं, और यहाँ पे शादाब खान भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, उन्होंने अभी तक 7 runs किए, उसके अलावा उन्होंने 77 विकेट्स भी लिए हैं। बाबर आजम, इमामुल हक और शादाब खान आपके लिए कैप्टेंसी चॉइसेस हैं। टॉपिक्स में आप मोहम्मद रिजवान को चूज आउट कर सकते हैं, 60 मैच में अभी तक मोहम्मद रिजवान ने 1498 runs किए हैं, उसके अलावा वो फंटेस्टिक विकेट कीपर भी है। शाहीन अफरीदी की बात करेंगे तो लेफ्ट आर्म पेसर यहाँ पे पाकिस्तान के लिए है, 76 विकेट्स लिए हैं जस्ट 39 मैचेस में। संदीप लामा छानी की बात करेंगे, नेपाल के से बिलोंग करते हैं, तो अभी टैलेंटेड प्लेयर है अपनी साइड के, अभी तक उन्होंने 1-1 विकेट्स लिए हैं। तो बजट पिक में आप हरीश रो को देख सकते हैं, वो है एक्स्ट्रा एडिट पेस दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर बैटर्स, तो फास्टेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे अभी तक हारिस रूप को। कुशल भुरटल की बात करेंगे तो अभी तक 44 मैचेस में उन्होंने अभी तक स्कोर किया 986 runs, तो एग्रेसिव स्ट्राइक रेट है उनके पास 79। नसीम शाह की बात करेंगे, टर्मेंडर और फास्ट फ्यूरियस बॉलर है, 25 विकेट्स गेन किए अभी तक 10 गेम्स में, तो उनके लिए अभी तक ये इंटरनेशनल क्रिकेट सेंसेशनल रहा है। तो कैप्टेंसी में आपके पास चॉइस अवेलेबल है, कैप्टेंसी में फर्स्ट चॉइस आपके पास अवेलेबल है शादाब खान चूज आउट कर सकते हैं, कैप्टेंसी में सेकंड चॉइस बाबर आजम, वाइस कैप्टन में फर्स्ट चॉइस शाहीन अफरीदी, वाइस कैप्टन में सेकंड चॉइस इमामुल हक को आप चूज आउट कर सकते हैं।
रेस्ट यू कैन मेक योर ओन कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्टन एंड ओसी। सो कैप्टेंसी में सेकंड चॉइस आपके पास अवेलेबल है इमामुल हक एंड बाबर आजम, एंड वाइस कैप्टेंसी में अनदर इंपॉर्टेंट चॉइस आपके पास अवेलेबल है बाबर आजम एंड फखर जमा। सो दिस सजेशन आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्लेयर्स इन द लास्ट टू सीरीज। सो आपके पास टीम 11 का टीम आपके पास सजेस्ट कर रहे हैं, आपको आप चूज आउट कर सकते हैं विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान, बैटर में बाबर आजम, इमामुल हक और फखर जमान, ऑलराउंडर में आप चूज आउट कर सकते हैं शादाब खान, दीपिंदर सिंह एरी, मोहम्मद नवाज, खुशल माला, बॉलर्स में आप चूज कर सकते हैं आफरीदी, संदीप लमचेनी और हारिस रूफ। ग्रैंड लीग के लिए आपके पास अवेलेबल टीम है विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान, बैटर में बाबर आजम, इमामुल हक एंड फखर जमान, ऑलराउंडर में आप चूज आउट कर सकते हैं शादाब खान, दीपिंदर सिंह आर्य, मोहम्मद नवाज, बॉलर्स में आप चूज आउट कर सकते हैं शाहीन आफरीदी, संदीप लमचेनी, हारिस रूफ एंड नसीम शाह। आपने नोटिस किया होगा इस टीम में ज़्यादा नेपाल के प्लेयर्स नहीं हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स यहाँ पे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। तो करंट क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल, गिव अवे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, विच प्लेयर विल बी मैन ऑफ द मैच इन टुडेज मैच, फर्स्ट करेक्ट कमेंट ऑन यूट्यूब विल गेट अवार्ड। सो आप यहाँ पे अवार्ड भी जीत सकते हैं। बाकी हमने जो टीम बनाए हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। सो गाइस ड्रीम 11 टीम आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, टीम नंबर 1 एंड टीम नंबर 2। यू कैन चूज आउट दिस टीम्स एंड यू कैन गो विद दिस टीम्स, यू कैन विन 1000 लाख एंड करोड़।